नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत खास बात सीखने वाले हैं। अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस बात पे हम आज जानकारी लेने वाले हैं। आपको पता है, हीरो, वैज्ञानिक, मिलिट्री मैन, ऐसे बड़े बड़े लोग इस मुकाम तक कैसे पहुँचे होंगे? दोस्तों, इन लोगों की एक दिनचर्या होती थी और यह बचपन से अपनाते थे। इस तरह से हमें भी अपनी एक दिनचर्या बनानी चाहिए। तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास 24 घंटे रहते हैं, उसका इस्तेमाल सही करना चाहिए। दोस्तों, हमारी दिनचर्या में अनुशासन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि बिना अनुशासन के हम दिनचर्या को सही रूप नहीं दे पाएंगे। पहले के ज़माने के लोग अपने दिनचर्या में अनुशासन को बहुत ही महत्व देते थे, इसके लिए वो तंदुरुस्त और मजबूत रहते थे। उसी तरह से हमारे भी दिनचर्या में अनुशासन होना ज़रूरी है। सिर्फ लिखे नहीं रखना है, उसको उपयोग में भी लाना है, ताकि भविष्य में हम कुछ हासिल कर पाए। तो दोस्तों, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये आज हम बताते हैं। हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के बाद में शौचालय में जाना है। शौचालय से आने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद हमें अच्छी तरह से दांत की सफाई करनी है। दांत की सफाई होने के बाद मुंह, हाथ, पैर अच्छी तरह से धोने हैं। दोस्तों, योगा करने से हमारी पूरा दिन अच्छा जाता है, इसलिए योगा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें योगा करने के बाद नहाना चाहिए। नहाते समय अच्छी तरह से साबुन और पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बाल बनाने चाहिए। आपको रोज़ सुबह वक्त पे नाश्ता करना चाहिए। हमेशा याद रखिए, नाश्ते में घर से बना हुआ ही नाश्ता होना चाहिए, जैसे पोहा, दूध, उपमा, इडली, ये सब घर में ही बनाने चाहिए। नाश्ते में कभी-कभी चाय ले सकते हैं। उसके बाद हमें स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हमारा ऑनलाइन क्लास है तो हमें क्लास में बैठना चाहिए और साथ में किताबें लेके बैठनी चाहिए, और जो भी शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए और लिख के भी लेना चाहिए। पढ़ाई होने के बाद हमारे घर में माँ, पिताजी, भाई, बहन, इनको उनके काम में मदद करनी चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। उसके बाद दोपहर का भोजन करें। दोपहर के भोजन करते समय हमारे घर के व्यक्तियों के साथ अगर भोजन किया तो अच्छा रहता है, पर दोस्तों याद रखें, भोजन में घर का ही खाना हो, चावल, सब्जी, रोटी, दही, सलाद, ये सब का समावेश होना चाहिए। भोजन करते समय हमें मौन रखना है, भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाना है और भोजन पेट भर कर खाना चाहिए। भोजन करने के बाद थोड़ी देर में हमें पानी भी पीना चाहिए। पानी अपने शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी की मात्रा अच्छी तरह से रहने के लिए हमें फलों का जूस या मिल्क शेक या नींबू पानी हम ले सकते हैं। दोपहर का खाना होने के बाद आपको जो अच्छा लगता है करने के लिए वो आपको करना है। जैसे गाना गाने के लिए अच्छा लगता है, किताबें पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, या कोई छोटा खेल खेलने के लिए अच्छा लगता है, तो आप आपके घर के व्यक्ति के साथ आपको खेल खेलना है और उनके साथ बहुत सी बातें करनी है। जो भी आपको अच्छा लगता है उनसे शेयर करना है। दोस्तों, शाम के वक्त नाश्ता करना है। नाश्ता करने से पहले याद रखिए, हमें हैंड वॉश करना है। नाश्ता होने के बाद हमें हमारी पढ़ाई करनी है और घर में जो व्यक्ति है उसको काम करने में मदद करना है। रात को वक्त पर खाना खाना है और घर का ही खाना खाना है। याद रखो, खाने खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी है और खाना खाते समय अपने परिवार के साथ बैठना है। थोड़ी देर के बाद सोने जाने से पहले आप एक गिलास दूध पी सकते हैं। दूध पीने के बाद कुछ देर के बाद आपको दांतों का मंजन करना है और जल्दी सोने जाना है। और एक बात याद रखना, अपना खुद का काम हमें खुद करना है। आज का मानव आलसी हो रहा है, अपने दिनचर्या को ठीक तरह से चलाना भूल गया है। अगर हमें हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य अच्छी तरह से रखना है
अपनी दिनचर्या को सही रूप देना होगा, तो ही अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को अपनाना है और भविष्य उज्जवल बनाना है।